अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेंस ऑफ पाकिस्तान के मोहसिन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। डिस्ट्रिक्ट मानसरा का इलाका है जी इचड़िया। इचड़िया मोटरवे इंटरचेंज से मैक्सिमम 20 फुट की दूरी पर 10 मल्ला का एक प्लाट बरए फरोख्त है। प्लाट की डिटेल शेयर करने से पहले मैं इस एरिया का इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये एरिया इचड़िया जो है, इस पूरे एरिया को, इस वादी को वादी सिरन कहा जाता है। और इचड़िया को ये समझें कि अगर मोटरवे से आ जाएं तो ये वादी सिरन का गेट आप इसको कंसिडर करें। ये छोटे छोटे देहात हैं, जिस तरह इचड़िया, इचड़िया से आगे सुम वैली है और स्टेशन कैरी साइड है, फिर आगे सुम वाली साइड पर जाते हैं द्रै सिरन के साथ साथ, तो आप वहाँ से सचंज बोड़ी और फिर वहाँ से मुड़ी तक के एरिया की तरफ आप लोग चले जाते हैं। टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो ये एरिया, इसको ये कंसिडर करें कि वादी नारान और वादी कागान के बाद अगर कोई अल्टरनेटिव इस एरिया में अगर कुछ किया जाए तो वो वादी सिरन ही होगा। ये एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ था, लोकल लोगों को इस एरिया के बारे में काफ़ी मालूम है कि वो लोकल हैं, उन्हें पता है, लेकिन टूरिज़म के लिए अभी तक इसको डिवेलप नहीं किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसकी रोड्स पर, इसको इस पर काफ़ी सही लेवल पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जारी हैं, रोड कंस्ट्रक्शन जारी हैं, और इस एरिया को इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है तो टूरिज़्म के हवाले से भी डेवलप कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और बहुत सारी नेमतों में से नवाजा है, जिसमें से एक मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे नज़दीक, जिसे मैं कंसिडर करता हूँ, वो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मानसरा को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है और वादी सिरन भी उसमें से एक है। वादी सिरन पर बात की जाए तो जब आप लोग सिरन वैली वाली साइड पर ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स सोम्ब और टूवर्ड्स मुंडी, तो यहाँ पे आपको द्रै सिरन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे, खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़पोश पहाड़ और ज़बरदस्त किस्म के सीनरीज वगैरह जो हैं तो आपको इस एरियाज़ में मिलेंगी। इस एरिए को अगर डिवेलप कर दिया जाता है, रोड एक्सेस वगैरह दे दिए जाएँ इस एरियाज़ को, तो इसमें जस्ट पार्क होटल्स वगैरह बन जाएँ तो ये इन फ्यूचर जो है तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टूरिज़्म को ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सब दोस्तों से गुजारिश ये भी है कि आप लोग यूट्यूब पर भी जाएँ, वहाँ पे भी आप लोग सर्च करें तो वादी सिरन को आप लोग लाजमी सर्च करें। लोकल लोगों को तो पता है, मैं ओवरऑल पाकिस्तान से मैं लोगों को, इसके अलावा बाहर भी जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं कि उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वादी सिरन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और अपने एरियाज़ को प्रमोट करें, पाकिस्तान को प्रमोट करें, अपने एरियाज़ की खूबसूरत वीडियोज़ ख़ुद भी लगाएँ, अगर ख़ुद नहीं लगा रहे मुझे शेयर कर दें, नंबर्स में अपने शेयर कर दें तो यहाँ पर, तो एरियाज़ की थोड़ी सी डिटेल्स दे दिया करें तो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। अभी ये प्लाट की डिटेल्स मैं शेयर करना चाहूँगा। ये प्लाट है जी, ये 10 मल्ला का प्लाट है और बिल्कुल इसके इचड़िया इंटरचेंज के एग्जिट पर है। मैं इसको बिल्कुल कमर्शियल नहीं कहूँगा कि कमर्शियल है, कि फ्रंट पे एक प्लाट है ऑलरेडी, तो इसको मैं रेजिडेंशियल में कंसिडर कर रहा हूँ। बिजली, रोड, पानी इस यहाँ पे मौजूद है, गैस फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है और इसकी डिमांड जो ओनर की तरफ से है वो 3 लाख रुपए मल्ले है और ये टोटल 10 मल्ले है तो 30 लाख रुपये इसकी डिमांड की गई है, जो कि नेगोशिएबल भी है। इस एरियाज़ में मज़ीद कोई भी बंदा, दोस्त यार अगर ज़मीनें ख़रीदना चाहे तो वो भी मुझसे राबता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।